नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? सबका स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाएं पैर पर छिपकली चढ़ना शुभ है या अशुभ। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बाएं पैर पर छिपकली गिरना अशुभ होता है। इसके परिणाम स्वरूप आपको किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट हो सकता है, घर परिवार किसी प्रकार की कलह का सामना करना पड़ सकता है। अगर बात करें दाएं पैर की तो ये आपको शुभ संकेत देता है। दाएं पैर पर छिपकली गिरने से आपको धन लाभ हो सकता है। अगर आप यात्रा करते हैं तो वह आपके लिए आरामदायक और लाभदायक रहेगी। बाएं पैर के घुटनों पर छिपकली का गिरना अशुभ संकेत देता है। अगर आपके बाएं पैर के घुटनों पर छिपकली गिर जाए तो हो सकता है कि आपके द्वारा लिया गया निर्णय गलत हो जाए, इसलिए आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। साथ ही नीचे बताए गए उपाय को भी अवश्य करना चाहिए। अगर किसी के दाएं पैर के घुटनों पर छिपकली गिर जाए तो उस व्यक्ति को यात्राओं से लाभ हो सकता है, लेकिन अगर आप नियमित तौर पर यात्रा करते हैं तो आपको सतर्कता अवश्य बरतनी चाहिए। छिपकली गिरने से अशुभ संकेत मिले तो करें यह उपाय। अगर आपके ऊपर छिपकली गिर जाती है और आपको ऐसा संकेत मिल रहा है कि यह आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है, तो आपको थोड़ी सी काली तिल और उड़द को अपने उस अंग से उतारना चाहिए जिस अंग पर छिपकली गिरी है। उतारने के पश्चात काली तिल और उड़द को गाय को खिला दें और तब स्नान करें। यह उपाय करने से आपको जो भी अशुभ संकेत मिले हैं वह अपना अशुभ परिणाम नहीं दे पाएगा, जिससे आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको यह आर्टिकल उपयोगी लगा है तो आप इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक अवश्य शेयर कर सकते हैं जिसे इसकी जरूरत हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।